शहडोल जिले के बायोहारी विधानसभा क्षेत्र में वंशिका ग्रुप द्वारा संचालित रेत खदानों और भंडारण पर रोक लगाने को लेकर विधायक शरद कोल ने मोर्चा खोल दिया है। इसके लिए तो स्टेप है साहब, जनता जनार्दन है हमारे साथ में, बैठेंगे रोड। विधायक ने खनिज विभाग को पत्र लिखते हुए स्पष्ट किया है कि उनके क्षेत्र में वंशिका ग्रुप के ठेकेदार नियम विरुद्ध लगातार अवैध रेत का उत्खनन व भंडारण कर रहे हैं, जिससे न सिर्फ स्थानीय स्तर पर आक्रोश है बल्कि प्रकृति को भी लगातार नुकसान पहुंच रहा है। विधायक शरद कोल ने प्रशासन के स्थानीय स्तर पर तैनात अधिकारियों पर अवैध उत्खनन को बढ़ावा देने का आरोप भी लगाया है। देखिए, हम आए थे कलेक्टर साहब के पास और जिला खनिज अधिकारी के पास कि हम अपने क्षेत्र में हो रहे अवैध उत्खनन के विरोध में पत्र के माध्यम से उसको रोकने के लिए हमने जिले के कलेक्टर को पत्र लिखा है कि समय रहते इस तरह से अवैध उत्खनन, अवैध भंडारण और अवैध परिवहन को तत्काल प्रभाव से रोकें, जिससे हमारे क्षेत्र के राजस्व और वहाँ की जो क्षतिग्रस्त रोडें हैं उसको हद तक बचाया जा सके, जिससे कि शासन को नुकसान भी ना हो और जनहित के संदर्भ में जो अच्छा उनको रोड सुगम व्यवस्था हम लोग कर सकें, शासन की जो मंशा है उसके उद्देश्य के साथ हम आए। जी हाँ, जिले में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन को लेकर लगातार शिकायतों के बाद कार्रवाई न होने से अब इस मामले को लेकर ब्योहारी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक शरद कोल ने भी मोर्चा खोल दिया है। विधायक शरद कोल ने खनिज अधिकारी को लिखित शिकायत कर रेत ठेकेदार पर मनमाने तरीके से काम करने का आरोप लगाया है। साथ ही ये भी कहा है कि रेत ठेकेदार की लगातार कार्य प्रणाली से पूरे क्षेत्र में आक्रोश है। लगातार उत्खनन से सड़कें खराब हो रही हैं। प्रतिबंध के बावजूद ठेकेदार नियमों को ताक पर रखकर लगातार उत्खनन कर रहा है और प्रशासन इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा है। विधायक ने कहा है कि यदि प्रशासन समय रहते इस पर ध्यान नहीं देता और अंकुश नहीं लगाता तो वह स्थानीय स्तर पर इस दिशा में कार्रवाई करने पर विवश होंगे। मेरा कहना यह है कि शासन के दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए वो अपने इस इन्वेस्टमेंट को पूरा करे और नियम विरुद्ध जो भी होगा, अवैध रूप से जो भी होगा, उसमें निश्चित कार्रवाई के लिए हम शासन से भी मांग करते हैं और कलेक्टर साहब को भी हमने स्पष्ट रूप से बोला है कि इस पर तत्काल प्रभाव से पाबंद किया जाए। उसके लिए तो स्टेप है साहब, जनता जनार्दन है हमारे साथ में, बैठेंगे रोड पे। CEN न्यूज के लिए शहडोल से रामबली यादव की रिपोर्ट।